नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में मतदान हो गया है समाप्त। छत्तीसगढ़ में 70 सीटों पर, मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर। पहले बात मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में मतदान खत्म हो गया। इंदौर में स्ट्रांग रूम की अगर बात करें तो चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल मौजूद है। यहां पर सीसीटीवी से निगरानी स्ट्रांग रूम की रखी जा रही है। स्ट्रांग रूम का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने, दिखाते हैं। पूरी हो चुकी है। इस वक्त मैं इंदौर के नेहरू स्टेडियम मौजूद हूं और ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूं कि मतदान केंद्र से जो मतदान दल है वो धीरे धीरे अब नेहरू स्टेडियम पहुंचने लगा है। उनके हाथों में मतदान की जो सामग्री है, जो किट है, वो साथ में ईवीएम जो मशीन है, अब उसको लेकर वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और दूसरी तरफ से मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ स्ट्रांग रूम की। तो आप ये देख सकते हैं कि अलग अलग जो विधानसभा है उनके स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। बगादा विधानसभा का नाम लिखा हुआ है, स्ट्रांग रूम किसका कहां पर है उसकी जानकारी दी गई है। और दूसरी तरफ स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी जो कैमरे हैं उसे नज़र रखी जाएगी, यानी चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी हैं और उसके साथ में सीसीटीवी लगाया गया है, यानी पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं और सुरक्षा व्यवस्था के बीच में ईवीएम जो है वो रखा रहेगा, यानी जो प्रत्याशियों का भाग का फैसला है वो ईवीएम में कैद हो चुका है। देखने वाली बात होगी किस कमल के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी। प्रत्याशियों के भाग का फैसला जनता कर चुकी है, 3 दिसंबर को वोटिंग होगी और उस दिन तय होगा कि जनता ने किसके सिर में ताज पहनाया है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बुआ के साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18, इंदौर। तो इंदौर की बात कर रहे थे। इंदौर में मतदान केंद्र से नेहरू स्टेडियम स्ट्रांग रूम लौटे मतदान दलों का ढोल नगाड़ों के साथ फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। देखिए हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट भी। नेहरू स्टेडियम में इस वक्त मैं मौजूद हूं और आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूं कि चुनाव प्रक्रिया खत्म होने के बाद ये जो कर्मचारी हैं वो नेहरू स्टेडियम लौट आए। अब यहां पर वो जो ईवीएम है, जो मतदान सामग्री है, उसे अब स्ट्रांग रूम में जमा करेंगे, यानी जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला हो चुका है और जो उनका भाग्य है वो ईवीएम में कैद है। 3 दिसंबर को उनका जो भाग्य का फैसला वो खुलेगा और उस दिन ये देखने को मिलेगा, यानी उस दिन तय होगा कि किन प्रत्याशियों को जनता ने चुना है। फिलहाल ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको कि जो कर्मचारी हैं अब वो लौट चुके हैं और ये देखिए हाथों में सो ईवीएम है और इसी में प्रत्याशियों का जो भाग है वो कैद है। देखने वाली बात होगी किस कमल के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी, चाहे बीजेपी या वो कांग्रेस। आने वाला समय होगा जब 3 तारीख को रिजल्ट आएगा, लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं नेहरू स्टेडियम की। एक तरफ ढोल नगाड़े बज रहे हैं, ढोल नगाड़े के साथ में इनका स्वागत किया जा रहा है और ये तस्वीर देखिए फूल माला के साथ स्वागत किया जा रहा है। बिल्कुल, पहली बस है जो मतदान संपन्न करा के आई है उनके लिए स्वागत है। बिल्कुल, इनका वेलकम किया है, इनको अच्छे से तारीफ, इनका मॉरल मुस्तब होता रहा है। अच्छा, आप लोगों को चलिए से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि देख सकते हैं कि आप चेहरे मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा उत्सव है उसकी पूरी प्रक्रिया करके लौट रहे हैं और ये देखिए इनसे बात भी करेंगे। भाई साहब कितनी खुशी है? बहुत बढ़िया, बहुत। इससे पहले भी हम पहली बार आए थे, इससे अगला चुनाव हुआ था उसमें भी पहली बार आए थे। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अभी आप देख सकते हैं कि आप ईवीएम है और जो भी मतदान सामग्री है उसे लेकर अब ये स्ट्रांग रूम में जा रहे हैं जमा करने के लिए। आप ये तस्वीर देखिए और चेहरे मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि जो जिस काम की जिम्मेदारी दी गई थी उस जिम्मेदारी को निभा कर लौट रहे हैं, बातचीत करेंगे। कैसा लग रहा है, आप कैसी फीलिंग है? अच्छा लग रहा है, जल्द से फर्स्ट आया तो टाइटनेस लग रही है, कुछ लग रहा है कि थके हुए आप लोग? थके हुए तो लग रहा है, देखिए अभी थकान दूर हो गई। जिस तरीके से लोगों का यहाँ पर स्वागत किया गया उसका इनका कहना है कि जो थकान हो गई दूर हो चुकी है और देख सकते हैं आप जो ढोल है ढोल बज रहा है और ढोल वाले के साथ में स्वागत किया जा रहा है। तो ये तस्वीर है नेहरू स्टेडियम की और अब मतदान जो केंद्र है वहां से जो मतदान दल है उनका नेहरू स्टेडियम पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बुआ के साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18, इंदौर। तो अब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लोगों को रविवार का इंतजार रहेगा और पूरे देश भर के लोगों को भी रविवार का इंतजार रहेगा। एक रविवार पड़ने वाला है 19 तारीख को जब मैच होने वाला है, फाइनल मैच, उस रविवार का इंतजार। और फिर इसके बाद 3 दिसंबर को जो रविवार आने वाला है तब नतीजों का इंतजार। इधर मतदान के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा न्यूज 18 से बातचीत किए और उन्होंने राजनगर में बीजेपी प्रत्याशी
अरविंद पटेरिया पर हत्या के प्रयास के केस दर्ज होने के मामले में कहा है कि राजनगर में झूठा केस ही बना दिया गया। ये तो खुद कमलनाथ कह रहे हैं, अगर कोई गाड़ी से दबकर मरा तो प्रत्याशी की गलती क्या है, गलत FIR हुई है। इसमें मतदान समाप्त हो चुका है और अब 3 दिसंबर का इंतजार है सबको, लेकिन आज सबसे बड़ी बात है कि जो वोटिंग परसेंट है वो बड़ा चौंकाने वाला है। करीब 80% वोट मध्य प्रदेश में पड़े हैं। तो आइए हमारे साथ भाजपा प्रदेश VD शर्मा जी मौजूद हैं, हम उनसे जानते भाई साहब 80% वोट, ये क्या संकेत जी? सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश की जनता को, प्रिय मतदाता भाई और बहनों को धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने इस लोकतंत्र के महापर्व में इतिहास बनाया है। लगभग 80% तक मतदान जाएगा, 5 बजे 72% था। ये भारतीय जनता पार्टी के इस चुनावी अभियान में मध्य प्रदेश के मन में मोदी का जो अभियान था इसको जनता का अपार समर्थन मिला है और भारतीय जनता पार्टी के हमारे गृहमंत्री माननीय अमित शाह जी ने जो कुशल रणनीति के साथ भाजपा के संगठन तंत्र को दिशा देने का जो काम किया था, कार्यकर्ता को बूस्टअप किया था, आपने देखा होगा उन्होंने बड़ी बड़ी सभाओं की चिंता नहीं की, उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के संगठन को बूस्टअप करने का काम, तो उस कुशल रणनीति के हिस्से के साथ भारतीय जनता पार्टी के गरीब कल्याण की योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री की योजनाओं को और विकास जो मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है उसको जनता ने आशीर्वाद दिया है। इसलिए आज हम कह सकते हैं कि महिलाएं भी, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी की लखपति बहन की योजना होगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बयान होगा, लाडली लक्ष्मी होगी, लाडली बहना योजना जो 1,31,00,000 बहने, आज मध्य प्रदेश के अंदर बहनों ने भी बड़ी संख्या में इस चुनाव में हिस्सा लेकर के कांग्रेस को आईना दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत की मात्र सरकार नहीं, जो हमने प्रत्येक बूथ पर जीतने का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री माननीय अमित शाह जी ने दिलाया था, इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की विजयश्री हासिल होगी और मैं जनता को इस बात के लिए बहुत अभिनंदन करता हूँ। महिलाओं की बम्पर वोटिंग हुई है, क्या लाडली बहना योजना गेम चेंजर साबित? एक नहीं, सभी योजनाएं। आज आप देखिए उज्ज्वला योजना के माध्यम से किस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 70,00,000 बहनों को उन्हें इज्जत घर मिला माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, लाडली उज्ज्वला योजना के अंतर्गत घर घर गैस कनेक्शन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिला, लखपति बहन की योजना में मध्य प्रदेश 1 नंबर है जो प्रधानमंत्री की योजना, लाडली बहना योजना में 1,31,00,000 भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार ने बहनों को सम्मान दिया, लाडली लक्ष्मी योजना में 45,00,000 बेटियां हैं वो भी वोटर बन गई अब तो, इसी प्रकार से कन्यादान योजना, एक नहीं हमारी सभी योजनाओं को महिलाओं के क्षेत्र में जो ताकत मिली, महिलाओं को मान सम्मान और सम्मान मिला, उसका परिणाम है कि महिलाओं ने भी भारतीय जनता पार्टी को अपार समर्थन इस चुनाव में दिया है। इसलिए मातृशक्ति को भी अभिनंदन, युवाओं भी बड़ी संख्या में मैदान में उतरे युवाओं का भी अभिनंदन और आम जनता जनार्दन का, सभी समाजों का, सभी वर्गों का मैं तो बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं इस चुनाव में इस बार इतिहास बनाया और झूठ छल कपट की राजनीति को, गुंडजिम करने वाली राजनीति को जवाब मिला है। कैमरामैन संजय के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 भोपाल। और मुरैना के दिमनी से बीजेपी के प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मतदान के बाद न्यूज 18 से बातचीत की और बड़ा दावा किया, कहा कि बीजेपी मध्य प्रदेश में 150 सीटें जीतने जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बढ़ा हुआ मत प्रतिशत ये बताता है कि भाजपा सरकार पर न केवल लाडली बहनों बल्कि सभी वर्गों ने भरोसा जताया है। में मतदान संपन्न हो चुका है और 70% से अधिक जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बम्पर मतदान हुआ है, हालांकि फाइनल आंकड़े आना अभी बाकी है। हमारे साथ मध्य प्रदेश चुनाव प्रबंध समिति के अध्यक्ष और दिमनी से बीजेपी प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी मौजूद हैं, उनसे हम सीधे बात करेंगे कि आखिर किस तरह के जो बढ़ा हुआ वोट है उसको किस तरीके से वो देखते हैं, उनसे हम बात करने के। सर, बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत 70% से ज्यादा मतदान अब तक हो गया, फाइनल आंकड़े आना बाकी, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मतदान आज बहुत अच्छा हुआ है और महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के मतदान किया है। ये मतदान का बढ़ना और महिलाओं का मतदान बढ़ना, ये मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा
और इस पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तौर से एक अच्छी लहर बन गई थी और उस लहर का परिणाम ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 150 सीटों के आसपास जीतेगी। नहीं नहीं, सरकार के प्रति कोई आक्रोश नहीं है लोगों के मन में। प्रो इनकम्बेंसी का चुनाव था ये और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचा है, उसका एक तौर से प्रकटीकरण है ये मतदान का बढ़ना। स्वाभाविक रूप से अमित शाह जी हमारे नेता हैं, मध्य प्रदेश के इंचार्ज थे, उन्होंने जो योजना बनाई वो योजना क्रियान्वित हुई और उसका परिणाम अच्छा है। ग्वालियर चंबल संभाग में क्या परिणाम दे? ग्वालियर चंबल संभाग में सर्वाधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। देखिए, दरअसल बीएसपी और कांग्रेस जब पराजय की ओर बढ़ने लगती है तो फिर झगड़ा फसाद करती है। वैसे लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है और इस प्रकार की परिस्थितियां नहीं बनना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से इन दलों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। देखिए, नई सरकार बनेगी तो मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश के रूप में तब्दील करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, इनका साफ तौर पर यह कहना है कि 150 से अधिक सीटें बीजेपी जीतने जा रही, क्योंकि जो बढ़ा हुआ मत प्रतिशत है वो ये बताता है कि बीजेपी सरकार के प्रति लोगों ने समर्थन जुटाया है। दीपक कुमार के साथ सैलेंस सिंह न्यूज टीम। नई सरकार बनेगी तो मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश के रूप में आगे बढ़ाएगी, नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे थे। इधर छत्तीसगढ़ में विधानसभा का दूसरा चरण का मतदान भी पूरा हो गया। शाम 5 बजे तक वोटिंग का समय था। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर से कांग्रेस की ही जीत का दावा किया है और कहा है कि प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार आ रही है और कांग्रेस के 75 पार के दावे को उन्होंने फिर दोहरा दिया है। देख रहे हैं उनसे सबसे मैं अपील करता हूं। सबसे पहले तो ये चाहेंगे सर कि लोकतंत्र की जो सबसे सशक्त तस्वीर होती है, और चूंकि आप मुखिया हैं तो एक बार वो तस्वीर दिखाइए और एक बार अपील कर दीजिए न्यूज 18 के जरिए। अभी तक घर से बाहर नहीं निकले हैं। जो न्यूज 18 देख रहे हैं उनसे सबसे मैं अपील करता हूं, जो घर में है वो घर से निकलें और मतदान केंद्र पहुंचे और अपना मताधिकार का प्रयोग करें। आप आम लोगों की तरह लाइन में खड़े थे सर, और लंबी कतार में आप खड़े थे और कोई शिकन नहीं थी, तो जनता के बीच चाहते हैं भाई, जनता के बीच के आदमी है, कोई ऐसे तो नहीं है कि जिस सेलिब्रिटी हों, हम तो आम जनता के बीच के लोग हैं, तो जनता के बीच में रहना अच्छा ही लगता। इसी घर में आप जो है वो जब विपक्ष के नेता थे तब भी यहाँ से गए होंगे, अभी भी आप पैदल चलते हुए गए, कुछ याद आया कि आप? हाँ, उस समय कैमरा कुछ कम था, इस समय कुछ ज्यादा ही था। अच्छा सर, आपके बार क्या लक्ष्य लगता है? आपके बार 75 पार। गृह लक्ष्मी योजना जो लॉन्च करने की आप लोगों ने बात कही, आपको लगता है कि महिला वोटर्स चूंकि बड़ी संख्या में है, यूथ वोटर्स है, एक बड़ा असर दिखाई? जी, महंगाई के इस दौर में कांग्रेस ने जो योजना लागू की है उससे महंगाई लड़ने के लिए उनको ताकत मिलेगी। आपकी फेवरेट पिक्चरों में लगता है कि शहंशाह पिक्चर रही होगी, कोई डायलॉग याद हो जो आजकल? बहुत सारे पिक्चर है, लेकिन ये क्या, रिश्ते को दीवार में लिखना चाहिए। अब चुनाव में वो दीवारों में रिश्ते को लिखने लगे, तब मैंने फिर कहा कि रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। तो आपको लगता है कि नतीजे भी वैसे ही वैसे रहेगा, एक तरफा रहेगा? तो ये है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, और उनका कहना है कि इस बार जो है वो 75 पार है, और उन्होंने न्यूज 18 के जरिए आम लोगों से अपील भी की है कि अपने घरों से बाहर निकलिए और वोट देने के लिए बाहर निकलिए, और देखिए कि किस तरीके से अगर हम बात करें कि अगर प्रदेश के मुखिया जो है वो कतार में लग करके वोट देने के लिए खड़े हो सकते हैं, जाहिर तौर पर सभी को निकलना चाहिए, सभी को वोट देना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की ये जो सबसे सशक्त तस्वीर है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री का दावा है कि इस बार जो नतीजे होंगे 75 पार होंगे, नतीजे क्या होंगे आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन ये जरूर है कि दूसरे चरण के मतदान को लेकर भी उत्साह जबरदस्त है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, कुरुड्डी। और आइए अब नजर डालते हैं मतदान की 50 तस्वीरों पर। सिंगरौली के बढ़न में दिव्यांगों के लिए व्हीलचेयर की नहीं की गई कोई व्यवस्था, जमीन पर घसीटते हुए वोट डालने गए दिव्यांग, शासन प्रशासन की बड़ी लापरवाही। शहडोल से दिल को सुकून देने वाली चुनावी तस्वीर आई सामने, मतदान के प्रति वृद्ध दंपति का दिखा उत्साह, पैदल लाठी के सहारे नेत्रहीन पत्नी को लेकर वोटिंग कराने पहुंचे वृद्ध। जबलपुर की पूर्व विधानसभा में बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में संघर्ष, जमकर हुई बमबाजी और फायरिंग, कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने की हवाई फायरिंग।
मुरैना में मतदान के बाद चली गोली गोलीबारी में एक शख्स घायल, घायल शख्स को ग्वालियर किया गया रेफर। एमपी में वोटिंग खत्म, 73.55% मतदान, नक्सल प्रभावित 6 सीटों पर 3 बजे तक हुई वोटिंग। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में कुल 68.15% मतदान की खबर है। धमतरी में सबसे ज्यादा वोटिंग, बिलासपुर में सबसे कम मतदान। खरगोन में महेश्वर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो ने मंडलेश्वर में किया मतदान, जीत का भी किया दावा। इंदौर में लड़कियों ने की वोटिंग, लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। फर्स्ट टाइम वोट डालने आई फीमेल वोटर्स ने कहा, हम अपनी सरकार चुने आए युवाओं को जो चाहिए पूरा करेगा यूथ, उसके साथ होगा। फर्स्ट टाइम वोटर्स ने खुलकर रखी अपनी बात। व्हील चेयर पर वोटिंग करने पहुंचे पुरुष, लोकतंत्र को मजबूत करने में अपने मत का किया इस्तेमाल। रतलाम में कांग्रेस प्रत्याशी पारस वकलेचवा का वीडियो वायरल, फकीर बाबा से चप्पल खाकर लिया आशीर्वाद, जीत का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे पारस वकलेचवा। कोरबा के कोरकुम गांव में लोगों के बीच मतदान को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिला, लोग यहां पर तेज धूप में भी मतदान केंद्रों के बाहर बारी का इंतजार करते नजर आए। जबलपुर में कार्यकर्ताओं समेत मतदाताओं में मची भगदड़, बीजेपी नेताओं पर हुआ लाठीचार्ज, पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद किया रिहा। उज्जैन में मतदान से पहले मतदाता की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल ले जाने पर हुई मौत, कृषि उपज मंडी के 55 नंबर केंद्र का मामला। वोटिंग के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे बुधनी, लाडली बहनों से लिया आशीर्वाद, परिजनों से बातचीत के बाद वोटिंग सेंटर पहुंचकर किया मतदान। वोटिंग से पहले सीएम ने लिया मां नर्मदा का आशीर्वाद, विधि विधान से की पूजा अर्चना। कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में किया मतदान, लोगों से की वोट डालने की अपील, भोपाल के कांग्रेस दफ्तर से रखी नजर। सीएम भूपेश बघेल ने दुर्ग में की वोटिंग, 75 पार का फिर से किया दावा। दुर्ग में सीएम भूपेश बघेल का दिखा सहज अंदाज, वोटिंग के लिए कतार में अपनी बारी का किया इंतजार। दिग्विजय सिंह ने किया मतदान, कार्यकर्ताओं के साथ किया मंथन, कांग्रेस की जीत का भी दावा। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने किया मतदान, लोगों से की वोट डालने की अपील। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया मतदान, मतदान के बाद बीजेपी की जीत का भी किया दावा। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया मतदान, वोटिंग के बाद बोले बीजेपी के पक्ष में है माहौल। इंदौर में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने किया मतदान, कहा मेहनत का फल मीठा होता है। इंदौर में जीतू पटवारी ने लोकतंत्र के महापर्व में निभाई हिस्सेदारी, मां के साथ पहुंचे पोलिंग बूथ, मताधिकार का किया प्रयोग। इंदौर क्षेत्र क्रमांक 1 से प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने की वोटिंग, 150 से ज्यादा सीट जीतने का भी किया दावा। गौरीशंकर बिसेन ने बालाघाट में किया मतदान, बीजेपी की जीत का दावा, बीजेपी के उम्मीदवार हैं बिसेन। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने की वोटिंग, एमपी की जनता से की वोट की अपील, नरसिंहपुर में 100% मतदान के लिए किया जागरूक। उमा भारती ने टीकमगढ़ में डाला वोट, डूडा गांव में पहुंचकर किया मतदान, भारत के लोकतंत्र को बताया सबसे मजबूत। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने किया मतदान, शेफर्ड स्कूल मतदान केंद्र पहुंचे थे प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव। सतना के चित्रकूट में जगतगुरु राम भद्राचार्य महाराज ने की वोटिंग, बोले जो राम और राष्ट्र को समर्पित हम उसके साथ। मुरैना के दिवनी विधानसभा क्षेत्र में दो पक्षों में हुआ पथराव, पुलिस बल ने दोनों पक्षों को खदेड़ा। झाबुआ में कांग्रेस प्रत्याशी विक्रांत भूरिया की गाड़ी पर पथराव, कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे विक्रांत भूरिया। रायपुर में ईवीएम खराब होने के बाद हुआ था हंगामा, चौबे कॉलोनी के मतदान केंद्र में हो गया हंगामा। भिंड में बीजेपी प्रत्याशी पर पथराव, महगांव विधानसभा के मानगढ़ गांव में हुआ पथराव। मुरैना में मतदान केंद्र के बाहर पैसे बांटने का वीडियो हो रहा वायरल, महिला वोटर्स को पैसे बांटते नजर आ रहा शख्स। इंदौर विधानसभा चुनाव की प्रत्याशी मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य गौड़ और कुछ लोगों में हुआ विवाद, दो पक्ष आपस में भिड़े, मारपीट का वीडियो आया सामने, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। शहडोल में दिल को सुकून देने वाली तस्वीर आई सामने, मतदान को लेकर वृद्ध दंपति का दिखा उत्साह। देवास में वोटिंग को लेकर उत्साह, 103 साल के मांगीलाल ने मतदान केंद्र में जाकर डाला वोट। बालाघाट में बीमार बुजुर्गों ने किया मतदान, गोदी में लेकर बीमार बुजुर्ग को परिजनों ने कराया मतदान। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी, वक्त एक ब्रेक का है।